प्रिया आ जाओ मम्मी जी। मम्मी जी आप रहने दो मैं कर लूंगी। अरे तो क्या हो गया बेटा, मैं कर दूंगी तो जल्दी हो जाएगा काम। और मैं अभी इतनी बड़ी बूढ़ी थोड़ी हुई हूँ जो काम नहीं कर सकती। अरे वो तो सब कहने लगे गुड्डू की शादी कर दो, गुड्डू की शादी कर दो। नहीं तो मेरा मन नहीं था अभी शादी करने का उसकी। अरे मेरा कहने का मतलब है अभी मेरी उम्र थोड़ी थी सास बनने की, अभी तो भगवान की दया से मेरे सारे हाथ पैर चल रहे हैं, अभी तो सारा काम कर सकती हूँ मैं अकेले ही। और बेटा तू ये मत सोचना कि तेरी सास बैठी रहेगी और तू अकेली काम करती रहेगी। अरे मिल बांट के काम कर लेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ जी मम्मी जी, ये तो आप सही कह रही हो। और बेटा मेरा तो मानना है जब तक इंसान के हाथ पैर चले ना तब तक उसे काम करते रहना चाहिए, दूसरों पे आश्रित नहीं रहना चाहिए। और जब मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे तो तू ही तो करेगी काम, और कौन करेगा, कोई बाहर का थोड़ी आएगा करने के लिए। मम्मी जी पता है जब भी मैं किसी खड़ूस सास को देखती ना टीवी में तो मैं बहुत डर जाती थी। मुझे ये लगता था कि सारी सासें एक जैसी होती हैं, ललिता पवार टाइप की, पर आप तो निरूपा राय निकली, बिल्कुल माँ जैसी। अच्छा जी, सच्ची मम्मी कसम से। मम्मी जी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। पेट में दर्द कैसे हो गया? पता नहीं मम्मी जी कैसे हो गया। तू दो मिनट रुक, मैं तेरे लिए अजवाइन भून कर लेके आती हूँ, पानी से फंकी ले लेना, आराम हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी। ये ले। अब जाकर लेट जा, थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी। आ गया बेटा। हाँ माँ, माँ प्रिया को बोल देना कि वो खाना जल्दी लगा देगी, और आज पुलाव खाने की इच्छा हो रही है तो पुलाव बना देगी। ठीक है बेटा, बोल दूंगी। प्रिया अब कैसे तबीयत है बेटा? मम्मी जी आपके अजवाइन ने तो कमाल कर दिया, दर्द बिल्कुल गायब हो गया। इतनी जल्दी तो गोली भी असर नहीं करती। बताओ, मैं 2-3 घंटे से सो रही हूँ। मैं चाय बनाने जा रही थी, चाय पिएगी? मम्मी जी अब आप बैठो, मैं बना दूंगी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे कमरे में ही आ जाना, गुड्डू भी आ गया, वहीं बैठ के पी लेंगे। ये आ गए क्या? हाँ आ गया वो। ठीक है मम्मी जी, मैं वहीं बना के लेके आती हूँ। ठीक है। प्रिया तूने आज पुलाव बहुत अच्छा बनाया था, और जब जब मैं डाइटिंग की सोचता हूँ ना तो तू खाना इतना बढ़िया बना देती है कि डाइटिंग की बैंड बज जाती है। पुलाव? हाँ बहू, तू तो ये पुलाव मुझे भी बनाने से खा देना। अरे तू कभी ना हुई तेरे पीछे से बना तो लूंगी मैं। मम्मी जी आ गई बेटा। मम्मी जी आज मैं इनके लिए और भैया के लिए ना शर्ट लेके आई हूँ, आप देख के बताओ कैसी है। देखो मम्मी, ये तो मैं इनके लिए लाई हूँ, अच्छी है। और ये भैया के लिए लाई हूँ, ये भी अच्छी है। भैया का रंग गोरा है ना, तो ये वाली ज्यादा अच्छी लगेगी उन पे। साहिल। हाँ जी मम्मी जी। इधर आ। हाँ जी। देख तेरी भाभी तुम दोनों के लिए शर्ट लेके आई है, एक ये और ये तेरे भैया के लिए। मम्मी मैं तो ये वाली लूंगा। अरे ये तो तेरी भाभी तेरे। हाँ भैया ये आप पर ज्यादा अच्छी लगेगी। थैंक यू भाभी।
इस वीडियो के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं, हर घर के अंदर अगर एक बहू अपनी सास को माँ की तरह प्यार करे और हर सास अपनी बहू को एक बेटी की तरह प्यार करे, तो उन दोनों के मधुर रिश्तों की वजह से उस घर का जो एक ऐसा शख्स है जिसको हम पति भी बोल सकते हैं और बेटा भी बोल सकते हैं, वो उन दोनों के बीच में पिसने से रह जाता है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हर बहू अपनी सास को अपनी माँ समझे और हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी माने, ताकि उन दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।